इस दुनिया में कब क्या और कैसे हो जाए इसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि किसी भी सवालों की जानकारी से जुड़े ये शब्द ऐसे होते हैं जो कभी कभार लोगों को हैरत में डाल देते हैं। ऐसा ही कब क्या और कैसे से जुड़ी केरल में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मामला एक ट्रांसजेंडर दंपत्ति का है जिसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है। दरअसल केरल के एक ट्रांसजेंडर दंपत्ति जिन्होंने हाल ही में गर्भावस्था की घोषणा की थी, इसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ है, जिसके बारे में बताते हुए इस ट्रांसजेंडर कपल ने मीडिया को जानकारी दी। ट्रांस पार्टनर्स में से एक जिया पावल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सरकारी अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के जरिए सुबह करीब 9:30 बजे बच्चे का जन्म हुआ। जन्म के बाद नवजात बच्चा और उसके साथी जहाद दोनों की सेहत ठीक है। केरल की ट्रांसजेंडर की प्रेगनेंसी का ये मामला देश का पहला मामला माना जा रहा है जब एक ट्रांस कपल ने बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि ट्रांस दंपत्ति ने शिशु की लिंग के बारे में बताने से इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से इस कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की उससे इन दोनों की खुशी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेशे से डांसर जिया पावल ने इंस्टाग्राम पर 4 फरवरी को घोषणा करते हुए बताया था कि उनके पार्टनर जहाद के गर्भ में 8 महीने का शिशु पल रहा है। अब मेरा माँ बनने और उसका पिता बनने का सपना पूरा होने वाला है। दरअसल ये कपल बीते 3 साल से साथ रह रहा है और अपना लिंग बदलने के लिए हार्मोन थेरेपी करा रहा था, जिसके लिए जहाद पुरुष बनने वाले थे, लेकिन बच्चे की चाह में उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया। हालांकि जिस तरह से इस कपल ने बच्चे को जन्म दिया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। ये मिसाल दुनिया में रह रहे उन तमाम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए है जो समाज में निरंतर डर के साए में जीते हैं और हमेशा गर्भधारण को लेकर चिंतित रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।